बस ट्रैवलिंग तो आप सभी करते हैं और ऐसे में जाते होंगे आप एक जगह से दूसरी जगह, चाहे फिर आपका कोई काम या फिर आप जाते हो हॉलीडेज पे। ऐसे में पूरा मूड ख़राब हो जाता है अगर आपको रास्ते में मिल जाए कहीं ट्रैफिक, और ऐसे में आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे आप कहीं अच्छे मूड में कहीं घूमने जा रहे हो और आप ट्रैफिक में फंस जाएँ। तो गाइस इसी सिचुएशन से बचने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ट्रिक बढ़िया सी, जिससे आप पता लगा पाएंगे कि कहाँ पर ट्रैफिक है और कहाँ पर आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी बिल्कुल रोड मिलेगी जहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक ना हो। तो गाइस इस ट्रिक से आप रियल टाइम ट्रैफिक का पता लगा सकते हो, और जैसे कहीं आप घूमने जा रहे हो तो आपको पहले ही पता होगा कि किस जगह से हमें जाना चाहिए और किस जगह से नहीं। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि जाना होगा आपको गूगल मैप में, और एक बार आप गूगल मैप को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपसे ये लोकेशन की परमिशन मांगेगा। तो इसको परमिशन ग्रांट करने के बाद गाइस आपको करना ये है कि जो यहाँ पर आपको ये आइकन दिख रहा होगा ये, इस पर गाइस आपको एक बार क्लिक कर देना है, और यहाँ पर गाइस ये इस तरह से कुछ खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ सेलेक्ट करनी है गाइस, एक तो ये सैटेलाइट आप सेलेक्ट कर लें, और गाइस दूसरा ये नीचे आपको ये ट्रैफिक सेलेक्ट करना है। अभी ट्रैफिक और सैटेलाइट सेलेक्ट करने के बाद आपको कहीं पर भी स्क्रीन पर आप अगर टैप कर देंगे तो गाइस ये कुछ इस तरह से आ जाएगा बन के। तो गाइस ये जो व्यू आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभी, ये वो है जो सैटेलाइट ने फ़ोटोज़ खींची होंगी अपने ऑप्टिकल कैमरा से, और उसी पर गाइस यहाँ पर कमाल किया है अपने गूगल मैप ने, जहाँ पर गाइस ये ट्रैफिक रियल टाइम ट्रैफिक आपको बताएगा कि कहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है और कहाँ पर कम। गाइस आपको दिख रहा होगा ये जहाँ जहाँ पर ग्रीन कलर का आपको ये लाइंस दिख रही है गाइस, वहाँ पर मतलब ये है कि बहुत कम ट्रैफिक है, और जहाँ पर गाइस ये आपको रेड सा दिख रहा है यहाँ पर मतलब ज़्यादा ट्रैफिक है, ऑरेंज मतलब मॉडरेट ट्रैफिक है, और गाइस यहाँ पर जो बिल्कुल ही डार्क मतलब बहुत ज़्यादा डार्क रेड है वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है। गाइस मैं अब आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर, गाइस ये है हमारा देहरादून का क्लॉक टावर। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये बीच में ये क्लॉक टावर है, और इसके आसपास से गाइस ये एक अगर आप देखें गाइस तो ये जो रोड यहाँ से आ रही है यहाँ पर गाइस अभी मतलब मॉडरेट सा ट्रैफिक है, और इस वाली में गाइस अभी मॉडरेट तो नहीं है मगर बहुत ही कम ट्रैफिक है, और बाकी भी गाइस अभी मॉडरेट ही ट्रैफिक है, यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक वैसे रहता है नहीं। और ये जो गाइस ये रेड वाली आप लाइन देख रहे हो गाइस, इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। गाइस जैसे मैंने यहाँ पर अब डेस्टिनेशन लगाई है मसूरी की गाइस, तो यहाँ पर हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है। बेसिकली अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं गाइस तो कई सारे रूट्स हैं यहाँ पर जाने के, अगर मैं वैसे बताऊँ आपको तो गाइस आप जाने को यहाँ से भी जा सकते हैं, जाने को आप यहाँ से भी जा सकते हैं, जिस हिसाब से गाइस यहाँ पर ट्रैफिक होगा उस हिसाब से फिर यहाँ से भी यही यहाँ पर आएगा, यहाँ से भी यही आएगा, और ये फिर यहाँ पर कॉमन रूट है, फिर यहाँ से आप जा सकते हैं। तो गाइस बेसिकली यही है, इसे हम बहुत ही मतलब स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं जैसे जैसे हमें नीड हो। मतलब एक पॉइंट पर आ गए तो फिर सीधा वो पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है जहाँ से हम मतलब कोई और सा शॉर्टकट तो मार नहीं सकते हैं, लेकिन तब तक तो हम यहाँ पर काफ़ी सारे शॉर्टकट देख सकते हैं, और ट्रैफिक से बचते हुए हम अपने मसूरी जाके मज़े से बर्फ़ के गोले उठा उठा के मार सकते हैं एक दूसरे को। गाइस ये पहुँचे हम मसूरी, ये उठाई बर्फ़ और ये मारा एक दूसरे को। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि ये बहुत अच्छा टूल है अगर आपको ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फंस जाते हो। गाइस ये तो हमारा देहरादून है, यहाँ इतना ट्रैफिक होता भी नहीं है। गाइस जो दिल्ली वगैरह है वहाँ मैंने सुना है कि 6-7 घंटे का ट्रैफिक जैम में लोग फंस जाते हैं। गाइस बेसिकली मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ऐसी वीडियो मैं कभी बना लेता हूँ थोड़ा बहुत हाउ टूज़ वगैरह के बारे में, ताकि पता लग पाए लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाए किस तरह से और बाकी के ट्रिक्स वगैरह होती है। तो बस गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बस इतना सपोर्ट कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।